हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेप टेट ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की सीटेट एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, फिर आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 पेपर के सीडीपी सेक्शन के। ठीक है, पहले पेपर वन के डिस्कस करते हैं। दो पार्ट्स में मैंने ये वीडियो बनाई है, पार्ट वन पार्ट टू। ठीक है, अभी इस पार्ट वन के अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2018 पेपर के। आई होप आपको क्वेश्चन की कुछ क्लैरिटी मिलेगी एंड क्वेश्चंस काफी इजी थे। वैसे अगर मैं पेपर वन की बात करूं, ज्यादा टफ नहीं थे। स्कोर आई थिंक 30 में से 25-26 बच्चों का बनना चाहिए था। ठीक है, एक बार जस्ट बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8146207241, या हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। ठीक है, पेपर वन का फुल कोर्स है, पेपर टू का फुल कोर्स है, कॉम्बो कोर्सेज है। ठीक है, बहुत इजी है आप लोगों के लिए, कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, कोर्स लेके आप लोग सारा कुछ सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। देन कोर्स के अंदर आपको 250 वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स, 4500 प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सेपरेट सेशंस रहेंगे एडवांस क्वेश्चंस पे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, आपका आई थिंक काफी बार ये सीटेट में आ भी चुका है। सोशलाइजेशन, कल्चर, ट्यूटरिंग या मीडिया। देखो, ऑफ कोर्स समाज के थ्रू बच्चे, ठीक है, जब वो सोशली एनवायरमेंट में एडजस्ट होते हैं, दे एक्वायर जेंडर रोल्स। हम आपका बेसिकली आपका क्वेश्चन भी आया है, जो आपकी ये जेंडर का, जो जेंडर बायस का कंसेप्ट है, जो ये जेंडर का कंसेप्ट है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर सोशली बनाया गया है, मेल एंड फीमेल, ये वैसे हेरिडिटरी नहीं था, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि हम लोगों ने बनाया कि लड़कियां सिर्फ घर का ही काम करेंगी, लड़के सिर्फ बाहर जॉब करेंगे। तो दैट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशली ये रोल आता है। ठीक है, कल्चर के थ्रू भी ये रोल आता है, ठीक है, एक्वायर होता है, मीडिया के थ्रू भी लोग देखते हैं। कई बार पुरानी फिल्म्स में ऐसा दिखाते थे कि सिर्फ लड़कियां घर का काम कर रही है, लड़के बाहर घूम रहे हैं। जब अगर आप मीडिया में ही ऐसी चीजें दिखाओगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली ये सब एक्वायर करेंगे। हाँ, थ्रू ट्यूटरिंग ये रोल नहीं आएगा। ट्यूटरिंग मतलब कि टीचर ऐसा कर रही है, उसको बच्चे को पढ़ाया जा रहा है थ्रू ट्यूशन। हम ट्यूशन क्यों बच्चे को जेंडर रोल आएगा कि मेल फीमेल वाली चीज, तो आई थिंक ट्यूटरिंग ये चीज नहीं आएगी। जेंडर रोल, जो जेंडर रोल बच्चे मेल फीमेल के प्रति एक्वायर करेंगे, वो थ्रू सोशलाइजेशन होगा, थ्रू कल्चर होगा, थ्रू मीडिया होगा। ट्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है। ट्यूशन तो बच्चे नॉर्मली पढ़ने जाते हैं अपना, उसके थ्रू बच्चे मेल फीमेल का रोल ये नहीं एक्वायर करेंगे। ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ तो आपके ऑप्शन है ही है, तो आंसर इसका क्या होगा, थर्ड, क्योंकि उन्होंने पूछा एक्सेप्ट कि किसके थ्रू नहीं आएगा इसको। ट्यूशन के थ्रू नहीं आएगा, बाकी सबके थ्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द टेस्ट कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी, या दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर फॉर बायस्ड। अब ये क्वेश्चन करने से पहले तो आपको ये पता हो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते क्या है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बेसिकली आपके वो टेस्ट है जिनका कुछ एक कह लो स्टैंडर्ड सेट है, एक कोई स्पेशलाइज इन टेस्ट को तैयार करता है। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम टेस्ट तैयार करते हैं। यूजुअली ये टेस्ट लार्ज पॉपुलेशंस के लिए ही होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये टेस्ट में ना एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि एक पैटर्न फिक्स्ड है कि ऐसे होगा तो आपका ऐसे ही आपको जवाब मेंशन करना है। ठीक है, तो अगर मैं इन टेस्ट की बात करूं ना, तो जो ये टेस्ट है, ये देखो इनकी लैंग्वेज बहुत इजी है। ठीक है, लैंग्वेज ऐसे टेस्ट की टफ नहीं होती। एंड ये यहां पे ऑप्शन लिखा है दैट दिस टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, ये लाइन गलत है। ये टेस्ट होते ही एक्चुअली लार्ज पॉपुलेशन के लिए, काफी आपके पास बच्चे हैं तो उनको एक हमारा होता है ना जैसे टेस्ट देना है, जैसे आपके ये टेस्ट नहीं होते थे, आपको अगर याद हो AI EEE होते थे काफी, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग होते थे फिर उनके
ये टेस्ट होते थे आईआईटी वगैरह, कुछ ऐसे टाइप के स्टैंडर्ड फिक्स टेस्ट है कि पता है इस पैटर्न पे आएंगे और ये ऐसे ही टेस्ट होंगे, ठीक है। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी, ये भी ट्रू नहीं है। ऑफकोर्स जब ये टेस्ट में एंड में रिजल्ट आता है, हमें बच्चे के मार्क्स वगैरह पता लगता है, तो हमें एक आइडिया रहता है कि हाँ ये उसका रिजल्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन है, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर फॉर बायस्ड। ये एक्चुअली ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इनका क्रिटिक्स यही है। यूजली ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट ना समटाइम्स हर स्टेट ने अपने अपने बना रखे हैं। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल एचटेट है, ठीक है, एचटेट के पता है अब हरियाणा के बच्चे वो टेस्ट दे रहे हैं, पंजाब वाले बच्चे को बहुत मुश्किल है कि उनको पता है वहां पे हरियाणा जी की आनी है, उनको पंजाब जी के नहीं पता। बंगाल के बच्चों के लिए अगर अपना एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, तो अगर कोई पंजाब का बच्चा वो करना चाहता है, उसके लिए वो वाला टेस्ट जो सिर्फ उनके स्टेट और उनके स्कूल्स के लिए बना है, आई थिंक ये बहुत टफ है फिर। इसलिए ये जो टेस्ट है बेसिकली स्टैंडर्डाइज, ये मेन स्ट्रीम कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक कल्चर, हर एक स्टेट, हर एक स्कूल अपना ना ही एक टेस्ट बनाता है, अपना स्टैंडर्ड फिक्स है। बाहर वाले बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये टेस्ट करना, एंड देयरफॉर इसलिए इनको कहा गया है कि दे आर देयरफॉर बायस्ड, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, कुछ डेफिनेशन से आपको पता हो कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक टेस्ट है जो एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर होता है एक बहुत ही कंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड मैनर में। एनी टेस्ट इन विच सेम टेस्ट इज गिवन इन द सेम मैनर टू ऑल द टेस्ट टेकर, सबको सेम टेस्ट दिया जाता है और सबको ग्रेड भी सेम मैनर में किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कोई स्पेशलिस्ट ही इसे तैयार करता है। एंड इसका पर्पज जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के साथ कंपेयर करना, एक दूसरे को स्टूडेंट्स की अचीवमेंट चेक करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ बेसिकली इसका टेस्ट है। बट हाँ, थोड़ा डिसएडवांटेज भी है कि इट कैन बी बायस, ठीक है। हर स्टेट एक अपना स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंसिडर करती है, फिर बाहर वाले बच्चों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने। कितनी तरह की टोटल मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, टोटल 8 टाइप्स की दी है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, की इंटेलिजेंस काफी तरह की होती है। ये बात वैसे ट्रू है, पर एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ये तो रिलेट नहीं करता है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, भी अगर हम अच्छी पेडागोजी यूज करेंगे तो इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इंटेलिजेंट कैन बी रैपिडली एसिलरेटेड, बुद्धि को हम तेजी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तो आई थिंक गार्डनर ने कहा ही नहीं है। गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, गार्डनर ने आपकी डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस दी है। तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट, इंटेलिजेंस can be of several kinds. Next question है, teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning. टू वॉट, अब हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इन दोनों असेसमेंट को लेके। वन इज दी फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड अदर इज दी समेटिव। फर्स्ट ऑप्शन है नोइंग द लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं, बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही ये दोनों चीजें होती है कि बच्चे की नीड्स देखना, उनको कौन सी अच्छी टीचिंग स्ट्रैटेजी जो टीचर यूज करेगी, ये सब आपका फॉर्म में आता है, ऑफ में ये नहीं आता है। सेकेंड है असेस द चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक लेवल एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस, ठीक है, कि बच्चे की परफॉर्मेंस को आप चेक करो कैसे लेवल्स पे है और फाइनली उसको बताओ कि हाँ ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुमने उसका प्रॉपर प्रमाणित कह लो पत्र दे दिया, ये आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही। ये आपका असेसमेंट ऑफ में होता है, जब हम ग्रेड्स और मार्क्स पे फोकस करते हैं तो ये फॉर्म में नहीं आता, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है मोनिटर द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड सेट appropriate goals to fill their learning gaps. अब अगर मैं ये वाले थर्ड ऑप्शन की बात करूं, ये थर्ड ऑप्शन आपका सिर्फ असेसमेंट फॉर्म में आता है, बच्चे के प्रोग्रेस को चेक करना, बच्चे की कहां कमी है, कहां खामी है, फिर उनको पूरा करना। ये भी पूरा ऑप्शन अगर मैं देखूं, ये थर्ड आपका असेसमेंट फॉर्म में आता है, बट हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो फॉर ऑफ दोनों में आता हो। अब बच गया फिर लास्ट, आई थिंक यही आंसर होगा, ये एक बारी पढ़ते हैं ऑप्शन, नो द चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। अब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चिल्ड्रन प्रोग्रेस आपका असेसमेंट फॉर्म में आता है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट में, एंड अचीवमेंट लेवल की बच्चों ने एक्चुअली बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, बच्चों के क्या ग्रेड्स हैं, ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है, दैट इज समेटिव में। तो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिय
एट आपका आंसर बनेगा फोर्थ. फर्स्ट आपका पूरा ही फॉर है, सेकंड आपका पूरा ऑफ है, ठीक है, थर्ड आपका पूरा फॉर आ जाता है, जो आपका फोर्थ है ये वाली इतनी लाइन असेसमेंट फॉर लर्निंग में और इतनी वाली लाइन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में. ठीक है, ऑफ लर्निंग में आपने ध्यान रखना है कि हम बच्चे के मार्क्स, रैंकिंग, ग्रेड्स इन पे ध्यान देते हैं, ठीक है. एंड फॉर में हम क्या क्या बच्चे के गैप्स है, कहाँ बच्चा एरर करता है, उनको फीडबैक देना, डायग्नोस्टिक कह लो असेसमेंट करना या रेमिडियल टीचिंग करना. तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये तो बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज टीचिंग लर्निंग का ये मेन पार्ट है. सेकेंड है, इट फोकसेज ऑन द चिल्ड्रंस अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज. ये भी वैसे ट्रू है, बिकॉज आपका सीसी सारा कुछ चेक करता है कि बच्चे ने क्या अचीव किया है, बच्चे की कह लो क्या प्रोग्रेस है. थर्ड ऑप्शन है, इट इज यूज टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट. ये गलत है, बिकॉज सीसी आपका ये लेबल नहीं करता कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा स्लो है, कौन सा पुअर है. ये गलत है. एक बार फोर्थ देख लेते हैं, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया. ये तो ट्रू ही है, आरटी लेके आया था सीसी, जिसमें आपके ग्रेड्स को मार्क्स को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, आपके ग्रेड से. तो फोर्थ है, सेकंड भी है, फर्स्ट भी है. जो ऑप्शन नहीं है दैट इज द थर्ड, बिकॉज ये ऐसा कुछ लेबल नहीं करता है कि बच्चे स्लो, पुअर या इंटेलिजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड. कि क्यों गिफ्टेडनेस है, बिकॉज ऑफ द रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, सक्सेसफुल पेरेंट्स या डिसिप्लिन रूटीन या एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट. ये क्वेश्चन आई थिंक सीटेट में काफी बार, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स किए, ये आ चुका है क्वेश्चन. तो ऑफकोर्स गिफ्टेडनेस, जो बच्चे होते गिफ्टेड चिल्ड्रेन है, दे आर अ रिजल्ट ऑफ बोथ, दैट इज अ बोथ इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट. हेरिडिटरी का भी थोड़ा बहुत आपका असर पड़ता है, एनवायरमेंट का भी. खाली सिर्फ हम एनवायरमेंट नहीं कह सकते या खाली सिर्फ हेरिडिटरी नहीं कह सकते, ठीक है. तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है. बाकी ऑप्शंस तो कोई इनमें से बनता ही नहीं, आंसर विल बी फोर्थ. तभी मैं आपको बार बार बोलती हूं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आपका देख सकते हो आप कितनी बार आ चुका है पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट विच. कहते जो बच्चे एक सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको आप कैसा क्लासरूम एनवायरमेंट दोगे. वो एनवायरमेंट जो वैल्यू करता है और यूज करता है उनकी कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, या आप उनको डिस्करेज करोगे द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज. उनको आप अपनी भाषा यूज नहीं करने दोगे, सेकेंड ऑप्शन नहीं है. थर्ड है, आप उन बच्चों को कैटेगराइज कर दोगे चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज पे, कि अलग अलग कर दिया. इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है ऐसा हमें नहीं करना है. फोर्थ ऑप्शन है, आप उनको टीच करोगे देम गुड बिहेवियर. अगर आप ऐसा भी करोगे, मतलब आप उनको नॉर्मल बच्चों से अलग फील करवा रहे हो, ऑफकोर्स इसका आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट होगा. आप उनकी वैल्यू करोगे एंड उनकी कल्चर, उनकी लिंग्विस्टिक नॉलेज को आप यूज करोगे, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिल सके, उनसे अलग ना अपने आप को महसूस करे. ऐसे आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए भी, किसी भी तरह का बच्चा, उसे कभी भी अलग फील नहीं करवाना, सबको एक जैसा फील करवाना है. हर किसी को वैल्यू देनी है, रिस्पेक्ट देनी है. क्लास में हर तरह के बच्चे को आपने क्या मानना है, रिसोर्स मानना है, ना कि हिंड्रेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन क्लासरूम. ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है क्या चीज, कि उनको एक्स्ट्रा टाइम दो टू देम टू लर्न, बीइंग अफेक्शनेस्ट टूवर्ड देम, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, या यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय टीचर. अब बेसिकली क्वेश्चन कहता है कि क्रिएटिव और टैलेंटेड बच्चों के लिए आप क्लासरूम में क्या कर सकते हो, कि आप उनको
एक्स्ट्रा टाइम दे दो, उनकी तरफ ज्यादा प्यार दिखाओ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि वो दूसरे बच्चों को पढ़ाए। ये सारी चीजें आई थिंक गलत है करना। आप जैसे कि हम कहते हैं कि क्रिएटिव टैलेंटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, ठीक है, जैसे या फिर इसमें जो ऑप्शन बनेगा दैट इज द फोर्थ वन, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय टीचर। स्टिमुलेटिंग आप समझते हो जिनसे उन बच्चों की एनर्जी चैनलाइज होए, टीचर्स कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाए ताकि वो बच्चे पूरे इन्वॉल्व हो सके और उनकी एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज हो गए। तो ऑफकोर्स इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए आप क्या नहीं करोगे, क्वेश्चन ये है। फर्स्ट ऑप्शन है आप उनको अलग अलग तरीके दोगे सीखनेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज राइट। सेकेंड ऑप्शन है इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, आप उनके शेड्यूल में कुछ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डाल दो। थर्ड ऑप्शन है री इम्प्रांटिंग देम ऑफन फॉर बींग रेस्टलेस, आप अगर आपको ये वर्ड का मतलब नहीं पता आप हिंदी में रेफर कर सकते हो, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये बात तो वैसे बिल्कुल गलत है। एक बार लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ब्रेकिंग अप अ स्मॉल टास्क इंटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं करना है। ऑफ कोर्स थर्ड होगा कि अगर वो बच्चे बेचैन होते हैं आप उन्हें फटकार लगाएंगे, आप उन्हें डांटेंगे, ऐसा हमें चाहे हाइपर एक्टिव बच्चा चाहे कोई भी बच्चा, ऐसा हमें किसी भी बच्चे के साथ नहीं करना है। तो इसमें जो नहीं ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर डिसलेक्सिक क्रिएटिव रेजिलियंट या डिसेबल्ड। ऑफकोर्स इसका आंसर आपका क्या होगा, दैट विल बी सेकेंड क्रिएटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है जो भी क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो आपकी उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है एंड जो भी ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे उनकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जिसमें आप काफी सारे सोल्यूशंस ला सकते हो, काफी सारे वेराइटी ऑफ आइडियाज ला सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं लिंक करता है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग से। तो आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन अ विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ऑप्शन बहुत आपने कहना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने बहुत जरूरी है कि नॉट पूछा है। फर्स्ट है बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, जब आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग आप टीचर ऑनेस्ट रहे कि क्या गलतियां हो गई हैं। यूज करें वो कैबलरी जैसे कि बच्चों सोचो, आइडियाज लाओ, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, ये सारे तो अभी तक ठीक है। ऑप्शन थर्ड है आप उनसे क्वेश्चन पूछो विद कन्वर्जेंट आंसर्स। एंड फोर्थ है डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऑफकोर्स इसमें कौन सा आंसर नहीं है, दैट इज थर्ड। हमने देखो ये कितनी बार पढ़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट आंसर हो गए जिनमें आपका आंसर सिर्फ एक ही है और वैसे भी टीचर कौन सी टेक्निक करवा रही है क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो हमें पता है हमें क्रिएटिव थिंकिंग करवानी है, डाइवर्जेंट आंसर्स लाने कि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे सके। तो हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है जिसका आंसर एक हो, ठीक है। फिर बच्चों का जो माइंड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उनका जो कह लो माइंड की ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं होगी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, दैट इज थर्ड, कि ये नहीं हमें करवाना है। बाकी फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, इसमें से कौन सा संवेग है, फियर अटेंशन स्टिमुलस मेमोरी। वैसे तो ये बहुत इजी था क्वेश्चन, आई थिंक इसका आंसर आपका क्या है, फियर। फियर, लव, एंग्री, दीज आर ऑल इमोशंस, ठीक है। तो बाकी तो इसमें से कोई भी इमोशन नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट दैट इज फियर, ठीक है। अटेंशन ध्यान देना इज नॉट एन इमोशन। स्टिमुलस होना किसी चीज के, कोई चीज है जो आपको उकसाती है, ये भी एक इमोशन नहीं है। मेमोरी तो याद है, ये एक इमोशन नहीं है। फियर, लव, ठीक है, एंग्री, दीज आर सच टाइप्स ऑफ इमोशन, आप इस चीज का ध्यान रखना। तो आपका फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड एक्सप्लेन्स दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट मिल्क बूथ।
which one of the following offers the best explanation of child's understanding? कि एक बच्चा कहता है, तीन साल का बच्चा, कि उसको लगता है जो मिल्क है वो मशीन से ही प्रोड्यूस होता है एक मिल्क बूथ पे, तो आप इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? फर्स्ट, द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग द मिल्क फ्रॉम मिल्क बूथ, कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है. चाइल्ड ने कभी काउज नहीं देखी. द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिम्युलेटिंग एनवायरमेंट टू चाइल्ड, बच्चों को कभी अच्छा वातावरण नहीं दिखाया या उनको ऐसा वातावरण नहीं दिया उनकी फैमिली ने, या चाइल्ड हैज अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, तो कि बच्चे को ज्यादा कह लो एनवायरमेंट में उसको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है. ये क्वेश्चन ना कुछ लगभग आई थिंक असिमिलेशन से लिंक करता है प्याजे की थ्योरी से. इसका आंसर आपका क्या बनेगा? फर्स्ट, क्योंकि बच्चे को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसका अनुभव रहा है, क्योंकि उसने शायद हर बार ऐसे मिल्क मिल्क बूथ से लिए तो उसको लगता है कि शायद मिल्क मशीन से आया है. ठीक है, हम जैसे कि हमने प्याजे की थ्योरी में पढ़ा है असिमिलेशन की, जो बच्चे के दिमाग में जब स्कीमा बना लिया वो बैठ जाता है और आगे जाके वो जब चीज करता है तो वो ही उसके दिमाग में बैठ जाता है. तो उसका ये लगभग एक्सपीरियंस ही रहा है कि उसने हर बार शायद मिल्क बूथ से मिल्क लिया तो उसको लगता है कि शायद मिल्क मशीन से ही मिलता है मिल्क बूथ पे. आई थिंक ये सबसे इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है. सेकेंड थर्ड तो बिल्कुल भी बनते नहीं. फोर्थ कई बच्चों को लग सकता है कि वो सोचेंगे बच्चे को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है. थ्री तीन साल का बच्चा है, ठीक है, उसको एक इतना एक्सपोजर अगर आप दोगे भी उसको समझ भी कुछ ज्यादा आएगा नहीं. शायद उसने ये जो छोटा सा अपना दिमाग में बनाई है चीज, जो भी ये उसके अनुभव पे बनाई है, बिकॉज एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के या किसी को भी देख के जल्दी अपना अनुभव बना लेता है. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर रोल. टीचर रोल का सबसे बेस्ट क्या है? फर्स्ट है कि टीचर सिर्फ अ टीचर शुड अधेयर टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक तक ही रहे. सेकेंड है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग एनफ टाइम फॉर रिविजन इज इंपॉर्टेंट, टाइम पे सिलेबस खत्म करा दे ताकि एंड में रिविजन हो सके. थर्ड, क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी. या फोर्थ, टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लास इज टू मेंटेन डिसिप्लिन. आई थिंक अ वेरी इजी क्वेश्चन, एंड हम आपको पता है क्रिएटिविटी, डायलॉग, इंक्वायरी इन सब पे स्ट्रेस करती है पेडागोजी पे. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? थर्ड, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर, सिलेबस पर या डिसिप्लिन पर टीचर को ज्यादा नहीं ध्यान देना है. ठीक है, मेन ध्यान देना है कि बच्चे आपस में बातचीत कर सके, इंक्वायरी कर सके, तो टीचर को ऐसा एनवायरमेंट बनाना है. दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टीचर रोल. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेजेज रिच लर्निंग. कौन से क्लासरूम कह लो एनकरेज करेगा रिच लर्निंग? फर्स्ट ऑप्शन है अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वेराइटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन द ओपन शेल्फ असेसिबल एट एनी टाइम. कि ओपन एक्टिविटी है, सारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर शेल्फ ओपन पड़ा है, कभी भी बच्चे बुक्स को ले सकते हैं. ठीक है, असेस कर सकते हैं. या सेकेंड है अ क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल इन कबर्ड्स ब्राउट आउट वंस अ वीक फॉर फ्री प्ले. सिर्फ हफ्ते में एक ही बार ही बस उनको वो किताबें मिलती है, हालांकि ये ऑप्शन ठीक नहीं है. थर्ड है अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट. कि प्रॉपर प्लान्ड लर्निंग चल रही है, टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस करा जाए. या फोर्थ ऑप्शन है अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट मटेरियल लास्ट लॉन्गर. बच्चों को मटेरियल छेड़ नहीं देना. वैसे ये सारे ऑप्शंस बहुत ईजी है कि गलत ही है. रिच लर्निंग वो ही है जिसमें बच्चा कह लो हर तरह का मटेरियल असेस कर पा रहा है, ओपन एक्टिविटी है, हर मटेरियल वो पढ़ सकता है. ठीक है, उसको हर तरह का मटेरियल कह लो देखने को, पढ़ने को अवेलेबल हो. तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? फर्स्ट ही बनेगा. अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन ओपन शेल्व्स असेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे. Thanks for watching, students. I hope you enjoyed the sessions and just wait, part 2 mein hum next 15 questions ab discuss karenge.